हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजीज कुकरी। आज मैं आपके लिए काला चना की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो एक हरियाली चना है, पुदीने और धनिया की पत्ती के साथ उसे मिक्स करके बनाया है। नॉर्मल घुगनी से थोड़ा सा हटके है ये, तो आप इसे ज़रूर देखें और ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी। देखिए, मैंने 250 ग्राम काला चना लिया है, जिसे मैंने ओवरनाइट सूख कर लिया है। सबसे पहले इसे हम प्रेशर कुकर में पानी डालकर उबाल लेंगे, और ये ध्यान रहे ये बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ हो, क्योंकि इसके जो स्टॉक निकलेंगे उसे हम इसकी ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें चने को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर बहुत सिंपल है, इसमें पानी डालकर इसे हमें प्रेस कर देना है। मैंने गैस पे प्रेस करा दिया है, अब हम इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे, और उसमें देखिए थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा हमें गर्म करना है। तेल हमारा देखिए गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा हरा मिर्च डालेंगे, प्याज थोड़ा, एक बड़े साइज का प्याज मैंने चॉप कर लिया है, इसमें थोड़ा हम टमाटर डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, और फिर इसे फिर से हमारा ये प्याज टमाटर पूरी तरह से पक गया है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने जार में रखकर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और ये हमारा चना हरा भरा है, इसे मैं एक अलग फ्लेवर में बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पुदीने का पत्ता, मिंट जो होता है उसे यूज़ किया है, और धनिया के पत्ता, धनिया का पत्ता को मैंने धोकर बारीक काट लिया है, और इसे इसमें डालकर इसे पेस्ट तैयार कर लेना है। इसमें अब हम इसमें पेस्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे वो मैं बताती हूँ। इसमें चना जो मैंने उबाला है, इसका जो स्टॉक तैयार हुआ है, अब पानी की जगह इसको यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि उसकी सारी पौष्टिकता हमारे साथ रहेगी, और बाकी के स्टॉक को मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी। तो आइए इसको पेस्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने जो यहाँ पर टमाटर प्याज निकाला था, ये बस जो रेस्ट ऑयल है इसमें ही बनाएंगे, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। और ये हमारा गर्म है, इसमें हम थोड़ा जीरा डालेंगे, थोड़ा तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च। अब हम इसमें जो बॉइल्ड चना मैंने रखा था उसे डाल देंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, ये हमने चना मसाला इसमें डाला है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसे ले सकते हैं, किसी भी ठंड में अच्छे मसाले मिल जाते हैं मार्केट में। ये इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें जो पेस्ट तैयार किया हुआ है मसाले का, प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना, वो इसमें डाल देंगे। ये हमारा भुन गया है, अब हम इसमें ये बॉयल वाला पानी जो है वो डाल देंगे, और इसे 5-7 मिनट स्लो फ्लेम पर उबाल आ जाए, थोड़ा सा मसाला इसमें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, इसे पकने देंगे। और लास्टली इसमें करना क्या है, थोड़ा सा गरम मसाला, देखिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है इसमें। हमारा बन गया है, गैस अब ऑफ कर देंगे, और चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तैयार है हमारा घुगनी, अब हम इसे थोड़ा धनिया पत्ते से, जो मैंने थोड़ा सा कट्स करके रखा था, इसे गार्निश करेंगे। तो मैं तो इसे पराठे के संग खाऊंगी, आप इसे किस चीज़ के साथ सर्व करेंगे ये आपको डिसाइड करना है। तो चलिए, तैयार है हमारा
हरियाली घुगनी